right now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का अनदर टॉपिक, दैट इज नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, कुदरती तापकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल लगता है, ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी करता हूँ ये टॉपिक बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बच्चों, कुदरती तापकारी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है? बात है सन 1896 की, 1896 के अंदर, यानी 19वीं सदी का अख्ताम चल रहा था। तब एक साइंसदान हेनरी बेक्यूरल साहब तजर्बात करने पर लगे हुए थे। और तजर्बात क्या थे? एक फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, तब की बहुत बड़ी इन्वेंशन समझ लीजिए। अब क्या था कि उसमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जितने भी तस्वीरें डिवेलप होती हैं, जितनी भी मूवीज, जितनी भी वीडियो, वो सारी फोटोग्राफिक प्लेट्स पर बनती। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो इन साहब ने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट ली, उसके ऊपर क्या रखा, एक ब्लैक कलर की शीट चढ़ाकर, यूरेनियम के साल्ट, और ये सारा कुछ हुआ एक्सीडेंटली। वो करना नहीं चाह रहे थे, वो बस इन चीज़ों को, यूरेनियम को ज़रा स्टोर करना चाह रहे, रखना चाह रहे थे। लेकिन क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, उसके ऊपर क्या शीट चढ़ाई ब्लैक कलर की, उसके अंदर यूरेनियम के साल्ट, टाइनी पीसेज यूरेनियम के रख दिए और उसको इस तरह से करके ड्रॉअर के अंदर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ड्रॉअर को ओपन किया तो दिखने को ये मिला कि जब उन्होंने ब्लैक शीट ऊपर से पाउडर को उतारा, ब्लैक शीट उतारी, तो नीचे दिखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो क्या डार्कन हो चुकी है। वो जो यूरेनियम के साल्ट थे, उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर दिया था। इसका मतलब, इससे पता ये चला कि ज़रूर यूरेनियम के साल्ट्स में से क्या निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं, एनर्जी निकल रही है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर सकती है। इसका मतलब ये इमेज दे सकती है, ये रेडिएशन है, ये एनर्जी है, जो बाद में तजर्बात करने पर साबित हुआ कि ये गैस को भी आयोनाइज कर सकते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो तो गैस के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी, उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। ये बात के तजर्बात में साबित हुआ। फिर उसके बाद ये दो साइंसदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दो साइंसदान कौन, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ये मियां बीवी थे, मियां बीवी थे। 30 साल की इनकी एफर्ट है, 30 साल इस खतून की एफर्ट है जिसने 30 साल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर काम किया, अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस पर लगा दिया। और क्या डिस्कवर किया, दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए इन्होंने, डिस्कवर किया पोलोनियम एंड रेडियम, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। और इन्होंने साबित किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेचर के अंदर मौजूद हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, उनमें से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई है, एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। क्या है, उनके एटम्स अनस्टेबल हैं, वो रेडिएशन खारिज करते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत मैसिव एक्सेस अमाउंट के अंदर है। ये तजर्बात के बाद इन्होंने साबित किया, दो एलिमेंट बल्कि डिस्कवर किए, पोलोनियम और रेडियम। इसके बेसिस पर हेनरी बेक्यूरल, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिसके बाद आप जानते हैं दुनिया की तारीख में रेवोल्यूशन आ गया, एटॉमिक बम बनना शुरू हो गया। और आज के दौर में अगर ये डिस्कवरी ना करते तो खुदा ना खास्ता कितने लाखों लोग कैंसर से मर जाते, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट, कितने भी ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट आप जानते हैं, ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बदौलत मुमकिन हुई। तो ये सारा क्रेडिट जाता है इस खातून को और इसके मियाँ इन साहब को, और साथ में हेनरी बेक्यूरल, जिनको एक्सीडेंटली ये पता चला कि यूरेनियम में से कुछ रेडिएशन निकल रही हैं। और बाद के तजर्बात ने साबित किया सिर्फ यूरेनियम नहीं है, इस जैसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स के, जिनके एटम्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल हैं, उनके पास एनर्जी की भरमार है। जैसे शादी ब्याह पे हम पैसे लुटा रहे होते हैं, ऐसे ही इनके एटम्स, इनके न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लुटा रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। और स्टेबल होने के लिए इनके पास बहुत एनर्जी है। आइए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और इसकी डेफिनेशन क्या है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई
इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस, हाँ वर्ड टू वर्ड मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। स्पॉन्टेनियस कहते हैं ऐसा प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन, एक ऐसा अमल जिसे किसी बिगनिंग की, किसी के स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल हम खुद स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम हम खुद स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं, पंखा ऑन करना खुद स्टार्ट कर, ना भाई ना, ये अपनी मर्जी से स्टार्ट हुआ है। ऐसा प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी एनर्जी इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, किसी के छेड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये प्रोसेस नेचर के अंदर हो रहा है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इन एलिमेंट्स को हमसे ओले साइड पेड़ पे जगह में रखा है, पहाड़ों के नीचे रखा है, जमीन की तहों के नीचे रखा है, क्योंकि इनके पास मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडीज के लिए खतरनाक है। फिर हम इसे निकालते हैं अपने फायदे के लिए भी और दूसरे ममालिक को, दूसरी कौमों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी एटॉमिक बम की शक्ल में। तो बच्चों ये अल्लाह ताला ने हमारी नेचर के अंदर रखे हुए हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लिया, इनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। और अनस्टेबल की क्या डेफिनेशन है? हैवी, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एनर्जी की अमाउंट बहुत ज्यादा हो। जैसे आपके पास बहुत पैसा हो, आपको समझ ही नहीं आ रही कि पैसा लगाएं किधर, इधर खर्च ये ले वो ले। इसी तरह से इनके पास एनर्जी, इनके न्यूक्लियाई के पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो एनर्जी दिए जा रहे हैं, पास एनर्जी इतनी है, दिए जा रहे हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक ऐसा अमल जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मिसाल के तौर पर यूरेनियम, मिसाल के तौर पे पोलोनियम, मिसाल के तौर पे रेडियम, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनके एटॉमिक साइजेस बड़े हैं, इनके न्यूक्लियाई बड़े हैं, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, इनके पास इतनी एनर्जी है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई मतलब क्या है, इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये क्या करेंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे, ये एनर्जी इमिट खारिज करते चले जाएंगे। इसका हार्ड नेचुरल एंड द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो रेडिएशन खारिज करते हैं उनका भी कुछ नाम होगा ना, ये प्रोसेस हो गया ना। एनर्जी खारिज करना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाया, रेडिएशन खारिज करना, रेज खारिज करना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन जो खारिज कर रहा है उसका भी तो कोई नाम होगा, यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, ये कितने से मैंने लिखे हैं, रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका भी तो नाम होगा, इन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो ये प्रोसेस करेंगे, जो ये अमल करेंगे, जो इस अमल से गुजरेंगे, द एलिमेंट्स विच अमिट सच रेडिएशंस, जो रेडिएशन खारिज करने वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस का खारिज करना, और ये रेडिएशन हमारे फायदे की भी हैं, नुकसान की भी हैं, आगे चल के हमें देखते हैं। अब बच्चों जो हेनरी बेक्यूरल, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी का मानना था कि जब रेडिएशंस खारिज होती हैं तो ये एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होते हैं, घटते चले जाते हैं। रेडिएशन खारिज कर रहे हैं, इसका मतलब इनके साइजेस डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, लेकिन इनको ख़त्म होने में सदियों लग जाती हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ और डिके और सारा कुछ, जिसमें आप जानेंगे कि एक ग्राम अगर आपके पास यूरेनियम हो तो उसे डिके होने में उसके पास इतनी एनर्जी है कि कितना टाइम उसे लगेगा कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट होता है टूटना, ब्रेक करना, इसका मतलब जो चीज़ रेडिएशन खारिज कर रही है, एनर्जी खारिज करती जा रही है, तो ऑफकोर्स वो एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे एटम से, जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, रेडिएशन खारिज करेगा, एनर्जी देगा, डिके करेगा, तो क्या करेगा, ऑफ कोर्स आप जानते हैं ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जब वहां से डिके होगा तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे से छोटा, मैसिव था, साइज डिक्रीज होता, एटॉमिक साइज कम होता, क्योंकि इसमें से क्या निकलती जा रही है, एनर्जी मैसिव अमाउंट में निकलती जा रही है। इस तरह से ये अमल क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो आज भी साबित हुआ कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, और इसी की बुनियाद पर एटॉमिक बम भी बनाया गया जिसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, फिजन रिएक्शन। तो बच्चों अब आइए देखते हैं जो रेडिएशंस खारिज होती हैं, जो रेडिएशंस खारिज हो रही हैं पोलोनियम में, रेडियम में, रेडॉन में, यूरेनियम में से जो रेडिएशन खारिज हो रही हैं उनकी नेचर कैसी है। डिटेल नेचर तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जब इन रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया, मकनातीसियत में से गुजारा गया, तो इन्होंने कैसा बिहेवियर दिखाया, आइए देखते हैं। बच्चों हमने क्या किया, एक लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर
थोड़ा सा हमारे पास क्या लिया हमने, रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव यूरेनियम ले लिया, थोड़ा सा पोलोनियम ले लिया, कोई इनमें से रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया। प्यारे बच्चों क्या किया हमने, छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स थोड़ी सी अमाउंट के अंदर यहाँ लेके लेड ब्लॉक के अंदर रख दिया। अब क्या हुआ कि ना दिखाई देने वाली रेडिएशन में से गलत हो गई। उन रेडिएशन के नाम क्या थे, एल्फा बीटा और गैमा, एल्फा बीटा और गैमा, पार्टिकल्स पार्टिकल एंड रेज नाम दिया गया। अब इनको डिफरेंट रेडिएशंस कैसे हैं, ये डिफरेंट रेज कैसे हैं, जब इन्हें मकनातीसिया से गुजारा और सामने फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म रखी तो रेडिएशंस को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, यहाँ से निकल के सीधा, लेकिन जब मकनातीसियत से रेडिएशंस गुजरी, जैसे किताब पे शायद क्रॉस 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 लगा होगा, उस क्रॉस का मतलब है इन टू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नॉर्थ, ये देखिए यहाँ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के जा रही है, ऐसे मकनातीस का नॉर्थ यहाँ है और दूसरे कमरे में साउथ है, ऐसे समझ लीजिए नॉर्थ ये साउथ और दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी मकनातीस की रेज हैं। तो क्या हुआ जब ये रेज, जब ये रेडिएशंस जो यहाँ से निकल रही थी इस मकनातीस से गुजरी तो क्या किया, इस मकनातीस ने उन रेडिएशंस को बेंड कर दिया। बेंडिंग में देखा गया कि ये एक पार्टिकल है अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल को इसने लेफ्ट साइड पे बेंड कर दिया, थोड़ा बेंड किया, जबकि दूसरी तरफ बीटा पार्टिकल था उसे बहुत ज़्यादा बेंड किया, जबकि एक गैमा पार्टिकल था जो कि बिल्कुल भी बेंड नहीं हुआ और सीधा फोटोग्राफिक प्लेट पर जा टकराया। ये कैसे पता चला कि एक इधर को मुड़ गया, ये यहाँ जाके स्ट्राइक किया, ये यहाँ जाके पार्टिकल यहाँ पार्टिकल यहाँ जाके स्ट्राइक किया, इससे पता ये चला कि यहाँ से तीन किस्म की रेज, तीन किस्म की रेडिएशंस निकल रही हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन। अल्फा को पार्टिकल्स कहा जाता है, बीटा को पार्टिकल्स कहा जाता है और गैमा को रेज कहा जाता है। आगे चल के डिटेल से बताऊंगा ऐसा क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए जब अल्फा पार्टिकल्स को देखा गया तो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, ये असल में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हीलियम का न्यूक्लियस हो, हीलियम का न्यूक्लियस हो जी, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या मुराद, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स थे तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल हीलियम एटम के न्यूक्लियस जैसा है, जैसे हीलियम के एटम के न्यूक्लियस से निकला हो। तो यही कहा गया अल्फा पार्टिकल हीलियम 2-4 एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4, मेरी डिटेल लेक्चर देख लीजिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटॉमिक मास बनाते हैं और प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर है, हीलियम न्यूक्लियाई, इसका मतलब बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस से निकलने वाला जैसा पार्टिकल है ये अल्फा पार्टिकल था, साइज में बड़ा था, आप देख लीजिए एटॉमिक मास 4 है, ये थोड़ा बेंड हुआ, इसे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बेंड कर सकी, मास ज़्यादा था। दूसरी तरफ दूसरा जो पार्टिकल इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से निकला वो क्या था, बीटा, बहुत सारे निकले लेकिन मैंने एक एक उसमें से सेलेक्ट किया, यहाँ बहुत सारे डॉट लगे, यहाँ बहुत सारे डॉट लगे, यहाँ बहुत सारे डॉट लगे, लेकिन पता ये चला ये डॉट कौन से हैं, ये डॉट कौन से हैं, ये डॉट कौन से हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि ये आप सब सामने लाइट जो रोशन है, ये जो बत्तियाँ जल रही हैं इस कमरे के अंदर, ये सारी इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत हैं, बिल्कुल ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके ऊपर चार्ज, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहां से, रेडियो एक्टिव सोर्स में से, जब इसे कहां से गुजारा गया, मकनातीसियस से, जिन्हें इनमें फर्क कर दिया, इनको डिफरेंस करके दिखाया, जी हां रेडियो एक्टिव सोर्स में से तीन तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं, गैमा, गैमा हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज से रोशनी पहुंच रही है, हाई एनर्जी फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट, एनर्जी के पैकेट, ये बहुत हाई एनर्जी है, जैसे लाइट के फोटॉन्स हैं फास्ट मूविंग, बिल्कुल इसी तरह से कोई एटॉमिक नंबर नहीं, कोई मास नहीं, इट इज कंप्लीटली एनर्जी, ये एनर्जी है और ये क्या है, फास्ट मूविंग है, इन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का असर चार्ज पार्टिकल पर होता है, इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक हो गया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे कोई चार्ज नहीं, तो ये सीधा फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके इसने स्पॉट बनाया। ये तीन तरह की रेडिएशंस की डिस्कवरी हुई, पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, कहां जी, जब इन्हें मैग्नेटिसियस से गुजारा, रेडियो एक्टिव सोर्स में से ये तीन तरह की रेडिएशंस निकले हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक नेचुरल रेडियो एक्टिव, जिसकी डिटेल डिस्कशन अब आगे आने वाली है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गैमा क्या है, इनकी नेचर क्या है, कहां कहां यूज होते हैं, इनकी मजीद डिटेल क्या है, वो बड़ी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का मतलब समझ आ गया होगा। हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई जो कि नेचुरली अनस्टेबल हैं, उनमें से रेडिएशन खारिज हो रही हैं, वो कंटिन्यूस रेडिएशन
खारिज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूरेनियम, रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम, आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 92, 88, 91, इस तरह के एटॉमिक नंबर्स हैं। मैसिव साइज ऑफ देयर न्यूक्लियस है और उसमें से एनर्जी इतनी एक्सेस है, उन्हें किसी भी स्टार्ट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वर्ड बाय वर्ड आपको डेफिनेशन भी समझा दी और ये प्रोसेस भी बता दिया, कब डिस्कवर हुआ, किन किन साइंसदानों को इसका क्रेडिट जाता है और आज के दौर में भी इसकी क्या अहमियत है। ये था कंप्लीट टॉपिक हिस्ट्री और सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशन आती हैं, इधर उधर की रेडिएशन हम वो क्या हैं वो डिटेल से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।